स्वागत है आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल का नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त राहुल धर्मेंद्र। दोस्तों बात करते हैं अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए तीसरे एक दिवसीय मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण करने वाला हूं तो कहीं नहीं जाइएगा, चैनल से जुड़े रहिए कि क्रिकेट से जुड़ी ढेर सारी जानकारी आप लोगों के पास आने वाली है। जैसे कि हम सभी जानते हैं अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का जो पहला मैच था बारिश की भेंट चढ़ गया। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने बड़ी अच्छी पारी खेली थी और पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका को पटकनी दी थी और वो बड़ा शानदार परफॉर्मेंस था, चाहे वो शाय हॉप की साझेदारी रही हो, इन सभी की जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी। उसके बाद से तीसरा ओडीआई मैच एक निर्णायक मोड़ था क्योंकि अफ्रीका को भी इस मैच को हर हाल में जीतना था, अपनी साख को बचाना था और इसी जद्दोजहद में ये धमाकेदार मैच हुआ। मैं ये कहूँगा पूरी तरीके से इस मैच में पैसा वसूल परफॉर्मेंस रही अफ्रीका की तरफ से और उतनी परफॉर्मेंस बेहतरीन नहीं वेस्ट इंडीज जिस तरीके की अभी श्रृंखला में खेलती नजर आई है। आई थिंक कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज अपर साइड नजर आई, कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थोड़े से फ्रीली खेलते हुए नजर आए और ये बहुत बड़ी बात है वेस्ट इंडीज टीम के लिए, जिसके खिलाड़ी अभी तक हम सब ने देखा कि एक लंबे समय से वो अपने आप को शेल में महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं दबे हुए खिंचे हुए महसूस करते हैं। लेकिन इन दो मैचों में जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर ने जो परफॉर्मेंस की है आई थिंक वो दिख रहा है, वो की फैक्टर वो इम्प्रूवमेंट साफ दिख रही है। तो अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वेस्ट इंडीज को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। वेस्ट इंडीज की तरफ से ब्रेंडन किंग ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी और 72 रन बनाया उनका साथ। कैलम हार्ट्स ने अच्छा दिया, 14 रन की एक पारी खेली उन्होंने, लेकिन उसके बाद से शरद ब्रुक्स 18 पे। तो जो ब्रेंडन किंग की बल्लेबाजी रही पहले मैच में भी उन्होंने अच्छा किया था और इस मैच में भी 72 रन, लेकिन उनका साथ जो मिडिल ऑर्डर था वो उतना बखूबी नहीं दे पाया। अगर हम निकोलस पूरन और होल्डर को छोड़ दिया जाए तो जो आपके पास सैमी ब्रुक्स है, कैली मायर्स है, शाई होप है जो पिछले मैच के एक बड़े शतकवीर है, वो इस मैच में नजर नहीं आए। और इसका जो मेन रीजन था इस पूरे देखिए वेस्ट इंडीज की जो पूरी पारी जो आपने देखी है जिसमें ओडन स्मिथ का 17 रन का है, अकील हुसैन, तो कुल मिला के जो क्योंकि ब्रेंडन किंग 72 आपका निकोलस पूरन रन आपके उन्होंने बनाया तकरीबन 39 रन और जैसे होल्डर ने बनाया 36 रन, लेकिन रोमन पावल 2 रन पे। लेकिन इसका एक जो एक लबोलवाब जो पूरी वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी पारी की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो ब्रेंडन किंग के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। और उससे बड़ी फैक्टर जो रोमन पावल का भी जो हालिया श्रृंखला रोमन पावल की बीती है, जिस तरीके से उन्होंने अपने अभी जो मैचेस में परफॉर्मेंस दी है बहुत शानदार तरीके से रोमन पावल एक बड़े मैच विनर निकले हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम में जो मुझे कमी नजर आई है इस मैच में रोमन पावल जब स्टार्टिंग के ब्रुक्स और उसके बाद से कैली मायर्स की विकेट गिरी तो रोमन पावल को बहुत ज्यादा नीचे अंडर एस्टिमेट किया गया और वो एक बड़ा नुकसान वेस्ट इंडीज के लिए साबित हुआ। क्योंकि रोमन पावल जिस तरीके के प्लेयर है वो थर्ड डाउन एटलीस्ट कम से कम थर्ड डाउन या आप उससे ऊपर भेज सकते हो, ऐसा बल्लेबाज नहीं है कि वो आपको वेस्टेज आप जिसे कह सको या इस तरीके की ज्यादा गेंदे वेस्ट करेगा, उस तरीके का नहीं, बहुत सुलझावा खिलाड़ी है और उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। इसकी परफॉर्मेंस हम सभी ने देखी है जिस तरीके से ये क्रीज के ऊपर अपने आप को पैर जमा लेते हैं और जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं वो एक शानदार तरीका, वो एक खेलने का इनका अलग अंदाज है और यही वेस्ट इंडीज की कमी रही। जिस समय पर वो विकेट निकल रही थी वहां और शायद होप की विकेट निकल गई, लेकिन वहां अगर ये रोमन पावल को थोड़ा सा साइड करते, क्योंकि कई बार क्या होता है ना अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, स्पेशली ये क्रिकेट में बहुत अच्छा लागू होता है कि जब आपके पास कोई विकल्प ना बचे तो आप ऑल आउट अटैक के लिए जाइए, शायद वही एक आखिरी हथियार है और कई बार ये हथियार काम करता है। सामने वाले के अगर 2 से 4 ओवर आपने अटैक कर दिए, उसके ऊपर 2 से 4 ओवर के अंदर आपने रन निकाल दिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता है, थोड़ा सा वो 2 कदम पीछे हटने की कोशिश करता है, फिर वहां आपको समय मिलता है अपने आप को सेट करने का। ये देखिए ये कुछ चीजें हैं जो सिखाई नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती, ये समय के साथ इम्प्रूवमेंट होती है। समय के साथ आप कितने एक्नॉलेजमेंट हैं, आप कितने आसपास की चीजों से क्या गुड थिंग्स कैरी करते हैं, ये वो चीजें हैं। आपने पास्ट में कई मैचेस देखेंगे, कोई चीजें आपने एनालिस की होगी उसके दम पर आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने होते हैं और ये कुछ चीजें हैं जो आपको करने की जरूरत होगी। लेकिन यही एक कमी रहेगी वेस्ट इंडीज की इस पारी में, क्योंकि जो उनके ब्रुक्स, जो उनके साई होप, जो कैली मायर्स, रोमन पाल, ये जितने बल्लेबाज अगर
नेगलेक्ट किए गए हैं, आउट हुए हैं, तो इसका मेन रीजन ये नहीं है कि अच्छी गेंदबाजी हुई है, इसका मेन रीजन ये है कि कहीं ना कहीं वो जो एक ऑरा, एक मिथ को तोड़ने का एक काम करना चाहिए खिलाड़ियों को, स्पेशली कैप्टन को, और वहां पर वो मिस कर गए गेंदबाजी में। मेरे को जॉनसन 2 विकेट निकाले और ये खिलाड़ी गजब कर रहा है शुरू से ही, इसकी गेंदबाजी में बड़ा। फॉर्चूनर और कॉर्टिज, कॉर्टिज पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी और इस मैच में भी उन्होंने 2 विकेट निकाले। और फॉर्चूनर अच्छे स्पिनर है और मध्यम क्रम में बल्लेबाजी बढ़िया करते हैं। लुंगी अंगड़ी 6 ओवर में 45 रन, पन्नर 5 ओवर 2 गेंद 30 रन 1 विकेट। और एक चीज आपको अगर महसूस करें इस पूरे श्रृंखला के अंदर, आपने किसी खिलाड़ी को मिस किया है? मैंने किया है और उसका नाम है रबाड़ा। एंड रबाड़ा एक ऐसा प्लेयर है जो पूरी श्रृंखला के अंदर नजर नहीं आया है। वाकई में क्या रबाड़ा का समय खत्म हो चुका है? साउथ अफ्रीकन टीम बिना रबाड़ा के मैदान में उतर रही है। आई थिंक आप कह सकते हैं कि एक्सक्यूजेस बहुत है कि वर्ल्ड कप के लिए उन्हें आराम दिया गया, थोड़े से लेजी है, पर नहीं, आई थिंक साउथ अफ्रीका की भी हालत उतनी बढ़िया नहीं है। पर इस बात पर चर्चा किसी और दिन होगी। गेंदबाजी साउथ अफ्रीका की अच्छी रही और 261 रन का टारगेट था अफ्रीका के पास, और ये 261 रन, और जिस तरीके से वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी है, वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी में थोड़ा सा पैनापन इसलिए है कि एक तो जैसन होल्डर उनके बहुत बढ़िया गेंद कप्तान और गेंदबाज, मैं कहूंगा कि स्पेशली गेंदबाजी यूनिट में बहुत अच्छे अलजारी जोसफ, दोनों ही मैचों में इससे मेरे फेवरेट तेज गेंदबाज रहे अलजारी जोसफ। और डन स्मिथ पिक ऑफ द थ्रू, मैच के किसी भी पॉइंट पर विकेट आपको निकाल दे सकते हैं, तो वो इनकी गेंदबाजी। अकील हुसैन वो एक ऐसा गेंदबाज है जो इकोनॉमिकल के साथ साथ विकेट निकालता है रेगुलर इंटरवल्स पे, तो 260 रन वेस्ट इंडीज की जेब में थे और ये बहुत थे खर्च करने के लिए। 10 विकेट इस 260 रन के एवज में खरीदे जा सकते थे, क्योंकि 260 रन आज के समय में साउथ अफ्रीकन प्लेयर के लिए बहुत बड़ी कीमत है, जो साउथ अफ्रीकन पूरी टीम आ जाती है 260 रन पे। सब पर गलती कर दी वेस्ट इंडीज ने, और वही एक मेन पॉइंट था कि वेस्ट इंडीज ने गलती कहाँ करी है, जबकि अलजारी जोसफ ने शुरुआती 3 विकेट निकाली है, चाहे क्लिंटन की विकेट हो, चाहे जूजी की विकेट, अकील हुसैन ने निकाल दी, उसके बाद से वैन डुशन और एडम माक्रम की कैली मार्स ने विकेट निकाल दी, फिर वो गलती कहाँ हुई। स्टार्ट की टॉप, आई थिंक टॉप आप अगर बात करें नंबर फोर तक की विकेट 12 ओवर में 87 रन, और वो ऐसी क्रूशल पोजीशन था, वहां से तकरीबन तकरीबन 180 का स्कोर चाहिए था, 6 विकेट हाथ में थे, 38 ओवर सबके आसपास बच रहे थे, तो वहां वेस्ट इंडीज कहाँ चूक कर गई। इतनी बढ़िया स्टार्ट होने के बाद भी वेस्ट इंडीज ये मैच, और देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ 87 बार, और इसके बाद से जो 17 ओवर में हुआ, उसके बाद से जो 17 ओवर में घटा, सी कल्पना ना आपने की थी ना मैंने की थी, और वो ऐसा एक आंधी आई जिसने पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज खेमे को उखाड़ के फेंक दिया। उसमें ना अलजारी जोसफ बचे, ना जैसन होल्डर बचे, ना अकील हुसैन बचे, उस आंधी की परिकल्पना नहीं कर सकते। जी हाँ, और वो आंधी कई बार साउथ अफ्रीकन टीम ने चलाई है। वो ऐसा खिलाड़ी है जो हर बार उसे मौका मिलता है तो उसी तरीके की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता। जी मैं बात कर रहा हूँ और आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हेनरिक क्लासेन 61 गेंदे 119 रन। इस खिलाड़ी ने 61 गेंदों में 15 चौके 5 छक्के और सिर्फ 17 ओवर के अंदर मैच फिनिश कर दिया। 17 ओवर में 160 रन बने हैं, आप इस चीज को कैलकुलेट कीजिए कि क्या एवरेज निकलती है, 10 रन पर ओवर वहां से ओडीआई मैच में। और उनका साथ किसने दिया? मार्को जेंसन 43 रन, और उससे पहले डेविड मिलर 17 गेंदों में 17 रन। ये सब जो घटना घटी है 61 गेंदों पे 119 रन, और उसी बीच ओवर ही 70 ही खर्च हुए हैं जो ओवर हुए हैं, क्योंकि 12 ओवर में 87 रन, 4 विकेट जा चुके थे, लेकिन उसके बाद से 29 ओवर और 3 गेंद में मैच फिनिश हो चुका है। तो इसका मतलब 17 ओवर में 61 गेंदे और 119 रन हनी क्लास बनाते हैं, 17 गेंदों 17 रन बना के डेविड मिलर आउट हो जाते हैं, और मार्को जॉनसन 33 गेंदों 43 रन बना के वो भी अपनी विकेट गवा देते हैं।
तो देखिए सिचुएशन एक तरफ से जो मिलर है वो 17 गेंदों पर 17 रन क्या फीडबैक दे रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद से मार्को जॉनसन ने जिस तरीके की पारी खेली थी, जब वो अटैक एक एंड से हो रहा तो वहां पे एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने आप को बांधे रखा, अपने संयम और धैर्य से काम लिया, और ऐसा नहीं कि गेंदे खराब की या कोई एक अटपटा शॉट खेल के सामने वाले अपने स्ट्राइकर एंड पार्टनर पे प्रेशर बढ़ाया, उसने पूरे बखूबी और बहुत शानदार तरीके से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये बहुत बड़ी बात है कि हालात के मद्देनजर आपने एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये चीज है। और हेनरिक क्लासे ने कई बार अपने आप को साबित किया कि जिस तरीके का वो बल्लेबाज, जिस कैलिबर का वो खिलाड़ी है, आई थिंक डिकॉक काफी लंबे समय से उस पोजीशन पे उस बेहतरीन पारी में नजर नहीं आ रहे जो उनके लिए एक जो एक समय था डिकॉक का, तो वो नजर आते थे वो हर तरफ, आज नहीं, आज रिक क्लिंटन को ट्राई किया जा रहा है डिकॉक की जगह, लेकिन आई थिंक हेनरिक क्लासे इस बल्लेबाज में दम, और ऐसे नहीं कि सिर्फ उठा पटक शॉट खेलता, मैंने देखा है वन ऑफ द बेस्ट स्टाइलिश आवर आप कह सकते हैं इसको, कूल काम कंपोज और समय आने पर विस्फोटक बहुत शानदार तरीके से। शायद कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज टीम इसमें एक रणनीति बनाने में चूकी, जब सामने वाला खिलाड़ी इतना अटैक कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी रणनीति आपको जरूर कारगर बनानी चाहिए थी जो आप उसमें पलटवार कर सकते। 61 गेंदों में उसने जरूर 3 गेंदें ऐसी खेली होंगी जहां पे उस मोमेंट हुआ होगा, और वही एक मौका होता है जब आप सामने वाले अपने ओपोजिशन को पकड़ सकते हैं। आई थिंक ये चीजें मैंने फिर से कहना चाहूंगा कि ऑन द स्पॉट पकड़ने की जरूरत होती है। 17 ओवर में कोई मैच खत्म करने की सोच रहा है वो भी ओडीआई मैच में, और 4 विकेटें जिसकी जा चुकी हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी गलती है इसमें। आपको वो चीज जहां से आपने प्रेशर बना रहा सडनली उसको प्रेशर निकल जाता है, जब उसके बाद डेविड मिलर 5वीं विकेट निकल जाती है, अगर मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करूंगी 5वीं विकेट जो गिरी है, 4वीं विकेट डेविड मिलर की, उसके बाद 5वीं विकेट गिरी है 140, ये तकरीबन 60 रन की पार्टनरशिप हुई है, तो 17 जिसमें से सिर्फ मिलर के हैं, 60 रन के पार्टनरशिप में 17 रन मिलर के हैं, तो ये आप देखिए कि किस तरीके से एक तरफा प्रहार हुआ है और एक ही खिलाड़ी के द्वारा प्रहार हुआ है, तो आपकी गेंदबाजी कहीं ना कहीं सफर कर रही है, और ये पूरे पूरे सिनेरियो में कहूंगा कि वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी ऐसी रही नहीं है अब तक, पहले मैच बहुत शानदार था लेकिन उसके बाद से जिस तरीके की गेंदबाजी हुई है वो थोड़ी सी शर्मिंदगी भरी रही है। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा रहा जरूर कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करने के कमेंट सेक्शन में सोशल साइट पर भी जा सकते हैं जिसके लिंक आपको वीडियो में चलते हुए दिखाई देंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।